पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बैच फाइल। बैच फाइल क्या होता है, बैच फाइल को हम कैसे बनाते हैं। आइए बैच फाइल में एक और फाइल हम बनाकर सीखते हैं, जिससे हम बहुत सारे रैंडम नंबर को स्क्रीन पर मूव करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डास स्क्रीन पर रैंडम नंबर एक कलर देखते हुए और आपके सामने प्रिव्यू दिखाए, तो उसके लिए हम बैच फाइल को क्रिएट करते हैं। बैच फाइल क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना होता है। स्टार्ट में आपको यहाँ टाइप करना है cmd। cmd टाइप करते ही सामने आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है, जिसे राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको यस करना होता है। यस करते ही आपके सामने डास का स्क्रीन ओपन हो जाता है। इसे आप फुल स्क्रीन करते हैं। पेज के जूमिंग को बढ़ाने के लिए कंट्रोल बटन दबाकर स्क्रॉल बटन को दबाते हैं, जिससे आपका जूम बढ़ता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे बैच फाइल को क्रिएट करना। बैच फाइल क्रिएट करने के लिए अभी आप देखते हैं, यहाँ पर आपका कर्सर सी के अंदर विंडोज़ फोल्डर के अंदर System32 के अंदर है, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ पर CD और यहाँ पर स्लैश लगाकर एंटर करना होता है, जिससे हमारा कर्सर सी प्रॉम्प्ट पर आ जाता है। अब हमें अगर कोई बैच फाइल बनाना है, तो बैच फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी कॉन कमांड। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉपी स्पेस कॉन स्पेस और फाइल का नाम, जिस नाम से हमें बैच फाइल बनाना है। सपोज हमें रॉक के नाम से फाइल बनाना है, तो rock.bat लिखकर एंटर दबाते हैं। ये हमारा बैच फाइल क्रिएट हो गया, यानी आपने कॉपी कॉन कमांड चलाकर rock.bat नाम का एक फाइल बनाया, जो कि बैच फाइल क्रिएट होता है। अब बैच फाइल के अंदर हम कुछ कमांड्स को लिखेंगे। यहाँ पर हम @echo कमांड को यूज़ करेंगे और इको कमांड लिखकर ऑफ यूज़ करेंगे। इको कमांड किसी भी टेक्स्ट को शो करता है, किसी भी टेक्स्ट को शो कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एंटर दबाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसा भी आपको ब्लैक पर ये कलर दिखा रहा है वाइट, इसे चेंज करने के लिए हम एक कलर कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखते हैं कलर स्पेस और कलर का कोड आप कुछ भी दे सकते हैं। कलर कोड को देने के लिए हम कुछ कलर कोड को जानेंगे। कलर कोड को जानने के लिए हम इसे अभी कंट्रोल सी से ब्रेक करते हैं, जिससे हमारा वन फाइल्स कॉपी हो जाता है। अब यहाँ पर हम कलर अगर जानना चाहते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कलर स्पेस और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखकर एंटर करते हैं। तो कलर क्या क्या होते हैं, यहाँ पर आपको कलर कमांड में शो करता है। यहाँ पर देखते हैं, अगर 0 आप लिखते हैं तो ब्लैक आपको शो करता है, 1 पर ब्लू, 2 पर ग्रीन, 3 पर एक्वा, इस तरीके से ये सारे आपको कलर शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कलर को चेंज करना है, जो कि अगर हमें रेड कलर लेना है तो 4 को यूज़ करेंगे। तो दोबारा से हम बैच फाइल बनाते हैं। बैच फाइल बनाने के लिए दोबारा हम लिखते हैं कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम rock.bat, एंटर लगाते हैं। अब यहाँ पर कमांड हम टाइप करते हैं @echo ऑफ, एंटर लगाते हैं। ये फाइल को ओवरराइट पूछने के लिए कहता है, तो हम यस कराते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कमांड लिखने के बाद हम अगला कमांड लिखते हैं कलर कमांड, कलर स्पेस, और जैसा कि हमने आपको यहाँ कलर दिखाया कि रेड के लिए 4 है, एक्वा के लिए 3 है, 2 है, सभी का कलर कोड यहाँ पर आपको शो कर रहा है। हमें रेड कलर लिखना है, तो रेड कलर के लिए यहाँ पर हम 4 का यूज़ करेंगे, एंटर लगाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू कमांड, और गो टू कमांड से एक वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं गो टू और यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देते हैं, जो कि नाम है var। यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक xyz या अपना नाम या कुछ भी दे सकते हैं, एंटर लगाते हैं। फिर यहाँ पर जो वेरिएबल आप बनाते हैं उसे कॉलन लगाकर और उसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जिससे ये वेरिएबल आपका कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट, अगला हम मैसेज अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इको। इको लिखने के बाद यहाँ पर एक हम परसेंट का सिंबल देंगे और यहाँ लिखेंगे रैंडम फंक्शन, रैंडम के साथ फिर परसेंट का सिंबल देंगे। अब इस रैंडम फंक्शन को हम 2 4 10 बार लिख देंगे, परसेंट रैंडम, फिर से परसेंट का सिंबल देंगे। इस तरीके से हम 10 15 20 बार लिखेंगे, जिससे रैंडम नंबर हमारे सामने आएगा। इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट करते हैं, जो कि आप राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारा मैटर पेस्ट हो रहा है। मैटर पेस्ट करने के बाद लास्ट में हम गो टू कमांड का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से हम मैटर पेस्ट करते हैं, फिर एंटर लगाते हैं। अगला हम यहाँ लिखते हैं गो टू, और जो आप वेरिएबल बनाए होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमारा var है, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करते हैं var, कि जब भी हम रैंडम नंबर को फिल करते हैं तो ये वापस से रैंडम आकर और वेरिएबल को कॉल करे, तो फिर से रैंडम नंबर आपका हर बार भरेगा। इसके बाद से फाइल को हम Ctrl+Z दबाकर सेव करते हैं। सेव करते ही वन फाइल्स कॉपीड आपके सामने लिख कर आ गया।
अब हमने फाइल जो बनाया था रॉक डॉट बी ए टी नाम का फाइल बना रखा है, इसे रन कराने के लिए हमें सी प्रॉम्प्ट पर उस फाइल के नाम को केवल लिखना होता है। तो यहाँ पर हम नाम टाइप करते हैं रॉक और इसके साथ साथ एक्सटेंशन नेम डॉट बी ए टी है तो डॉट बी ए टी लिखते हैं, इसके बाद एंटर दबाते हैं। एंटर दबाते ही आप देखते हैं तो यहाँ पर रैंडम नंबर आपके सामने मूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रैंडम नंबर रन कराना है बैच फाइल के थ्रू तो आप बैच फाइल के थ्रू रन करा सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड वीडियो रही जिसके थ्रू हम बैच फाइल के कुछ न्यू टेक्निक को सीखे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।